दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आपको समय बचाना है तो आपको फॉर्मूला की मिक्सिंग करनी आनी चाहिए। अब मिक्सिंग से मेरा मतलब है, जैसे यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिखाई दे रही है जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी प्लेयर के नाम है, और राइट साइड में मैं कबड्डी की जगह अगर यहाँ पे फुटबॉल या क्रिकेट सेलेक्ट करता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे फुटबॉल सेलेक्ट किया तो फुटबॉल प्लेयर के नाम दिखाई देंगे, अगर मैं इसकी जगह क्रिकेट सेलेक्ट करता हूं तो क्रिकेट प्लेयर के नाम दिखाई दे रहे हैं। तो इस लिस्ट में से ये पर्टिकुलर लिस्ट में पिक कैसे कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला की मिक्सिंग की है। अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो ये मिक्सिंग, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूं एक्सेल ट्यूटोरियल पे। लेट्स बिगिन। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपको दिखाया कि यहाँ पे फुटबॉल की जगह अगर आप क्रिकेट सेलेक्ट करते हो तो क्रिकेट प्लेयर के नाम आ रहे, अगर आप कबड्डी लेते हो तो कबड्डी प्लेयर के नाम आ रहे। तो इसे कैसे किया, चलिए देखते हैं। पहले मैं इस कॉलम को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे दोबारा हम लिस्ट तैयार करेंगे। पहली वाली डिलीट करेंगे तभी तो हम दोबारा क्रिएट कर पाएंगे ना। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे पहले ये जो है क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी का ड्रॉप डाउन यहाँ पे बनाएंगे। और ड्रॉप डाउन तो आपको बेसिकली पता ही होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। डेटा में जाना है बेटा, उसके लिए कहाँ पे जाना है, देखिए डेटा मेनू में, ऊपर डेटा मेनू आपको दिखाई दे रहा है। सो डेटा में जाने के बाद यहाँ पे डेटा वैलिडेशन ऑप्शन आ रहा है। एज यूजुअल आपको पता ही रहेगा डेटा वैलिडेशन कैसे यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे क्लिक करूंगा एक डायलॉग बॉक्स आएगा आपके सामने। इस डायलॉग बॉक्स में आपको एनी वैल्यू की जगह यहाँ पे लिस्ट लेना होगा। यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह मैं यहाँ पे लिस्ट ले रहा हूँ। लिस्ट लेने के बाद सोर्स में कर्सर रख चुका हूँ, राइट। उसके बाद मुझे लिस्ट सेलेक्ट करनी होगी, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, ये तीनों मुझे चाहिए। और मैं यहाँ पे ओके जैसे करूंगा यहाँ पे ड्रॉप डाउन बन चुका है। ओके, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे लिस्ट बना ली, तो मैं यहाँ पे ऊपर लिस्ट करके नाम देता हूँ। ओके चलो, लिस्ट नाम दे दिया और लिस्ट बना दी। चाहिए तो इसे आप फॉर्मेट दे सकते, ये वाला फॉर्मेट देना चाहते तो आप होम टैब में जाइए, फॉर्मेट पेंटर पे यहाँ पे क्लिक कीजिए। चलिए फॉर्मेट पेंटर से हमने इसे फॉर्मेट भी कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये जो लिखा है ना मैंने क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी, इनके नंबर्स में फाइंड आउट करूं, मतलब इसका कॉलम नंबर फाइंड आउट करने के लिए, आई मीन टू से कॉलम इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें मैच फॉर्मूला की जरूरत है। अब मैच फॉर्मूला आपको एक्सेल में आना चाहिए, बेसिकली बहुत सारी जगह पे मैच यूज किया जाता है दोस्तों। ये वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन अब तक का वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं आपको बताऊं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इन फॉर्मूलाज को अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं, एडवांस लेवल पे सीखना चाहते हैं, अपने आपको एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं विद सर्टिफिकेट, तो हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पूरा कोर्स डिजाइन किया, जो कि आप हमारे एप्लीकेशन से इनरोल कर सकते। एप्लीकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दिए। इस एप्लीकेशन की खासियत ये कि आपको घर बैठे बैठे कोर्सेज सीखने मिलेंगे, आप रिपीटेड वीडियो देख सकते जितनी बार चाहिए उतनी बार, उन कोर्सेज के लेसन आप रिपीटेड देख सकते हैं जो कोर्स आपने इनरोल किया। साथ ही में आपको वीडियो डाउनलोड फीचर भी दिया गया है, मतलब इन ऐप वीडियो डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। इनकेस अगर आप रूरल एरिया में रहते हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है, तो आप वीडियोस डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी आपको मिलने वाला है। तो इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है इस एप्लीकेशन के अंदर, और हमारा चैट सपोर्ट है ही है। अगर आपको कोई भी इशू है तो एप्लीकेशन के ऊपर चैट सपोर्ट भी, नीचे चैट ऑप्शन है जहां से आप हमारे टीम से चैट कर सकते हैं, आपके सवाल पूछ सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, तो अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखना है तो देरी मत कीजिए, अभी इनरोल कीजिए, घर बैठे बैठे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने का मौका मैं लेके आया बहुत ही कम फीस में। शायद आगे चलकर इसकी फीस बढ़ सकती है, तो इसलिए जल्दी से इनरोल कीजिएगा। फिलहाल तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्सेल के अंदर मैच फॉर्मूला मैं आपको यूज करके दिखा रहा हूँ। देखिए मैच टाइप कर रहा हूँ, जैसे मैं मैच टाइप करूंगा लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे और मैच टाइप, तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे, लुकअप वैल्यू कोमा लुकअप एरे कोमा मैच टाइप। सो लुकअप वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, लुकअप वैल्यू के लिए ये मेरी लुकअप वैल्यू है, मुझे क्रिकेट ढूंढना है कोमा, कौन से रो में ढूंढना है क्रिकेट, मुझे ये वाला रो में सिलेक्ट करूंगा क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी, इस रो में कितने कॉलम में वो अवेलेबल है, कौन से कॉलम पे अवेलेबल है, उसकी पोजीशन हम फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे वो ले लिया, उसके बाद कोमा करके हम एग्जैक्ट मैच फाइंड आउट करेंगे, इसलिए हम जीरो देंगे, एग्जैक्टली उसकी पोजीशन फाइंड आउट करना है इसलिए जीरो। तो तीन चीज़ें मैंने दी इसमें, लुकअप वैल्यू यहाँ पे याद रखो, दिस इज लुकअप वैल्यू, वहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है आपको। दूसरा लुकअप एरे, कहाँ पे हमें ढूंढना है वो हमने दे दिया, लुकअप वैल्यू हमें क्रिकेट ढूंढना है इसरो में, और उसकी पोजीशन यहाँ पे मैच आपको बताएगा कि क्रिकेट की एक नंबर पोजीशन है। जैसे ही आप यहाँ पे फुटबॉल करते हो उसकी पोजीशन दो नंबर और कबड्डी की पोजीशन तीन नंबर है इस रेंज में, सही है ना। तो मैच से क्या होता है आपको डेफिनेटली समझाए। अब बारी है इंडेक्स की, अब इंडेक्स फॉर्मूला भी हमें ऐसे यूज करना है जैसे मैच यूज किया था, मतलब हमें क्या करना है कि ये पर्टिकुलर रेंज को हमें इंडेक्स अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए कैसे मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूं मैं आपको, पहले इंडेक्स, इंडेक्स जैसे मैं अप्लाई करूंगा यहां पे इंडेक्स लिखूंगा, इंडेक्स लिखने के बाद टैब बटन प्रेस करते ही इस तरह से आ जाता है पूरा फॉर्मूला। इंडेक्स टाइप कीजिए, टैब बटन प्रेस कीजिए, इंडेक्स फॉर्मूला आ जाता है। फिर एरे कोमा रो नंबर कोमा कॉलम नंबर। सो एरे के लिए मैं क्या कर रहा हूं,
यहाँ पे आप देख सकते हैं एरे के लिए मैं पूरा का पूरा डेटा ले रहा हूँ, यहाँ पे पूरा डेटा हमारा एरे है, समझे भाई? ओके, डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा भाई बहन जो भी है। ओके, तो पूरा जो डेटा है हमारा वो हमने एरे में ले लिया है, कोमा, उसके बाद रो नंबर। रो नंबर कहाँ पे अवेलेबल है? रो नंबर हमें लेना ही नहीं इस डेटा में, तो हमें जीरो देना है यहाँ पे, रो नंबर बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉलम नंबर देना है ना, हमें कॉलम के अकॉर्डिंग डेटा चाहिए। सो रो नंबर मैंने जीरो दिया, और कॉलम नंबर कहाँ पे पड़ा है मेरा? पड़ा है यानी कॉलम नंबर हमने मैथ से यहाँ पे निकाला है, राइट, तीन, क्योंकि यहाँ पे कबड्डी लिखा है, इसका कॉलम नंबर जो है कबड्डी का वो यहाँ पे है। एंटर करेंगे तो कबड्डी के अंदर जो डेटा है वही आ रहा है, एक ही आ रहा है फिलहाल। अगर आप यहाँ पे फुटबॉल करते हो तो फुटबॉल के अंदर जो डेटा है वो आ रहा है, और क्रिकेट लेते हो तो क्रिकेट के अंदर जो एक नंबर पे रो पे डेटा है वही आ रहा है। अब मुझे इस फॉर्मूला को ड्रैग करना है, लेकिन अभी बाकी है, क्योंकि मैच अलग सा हमने निकाला है यहाँ पे, और इंडेक्स यहाँ पे अलग निकाला। तो मैच अलग सा निकालने की क्या जरूरत है क्या, अगर आपका ऐसा सवाल है? मैंने अलग सा इसलिए निकाला ताकि मैं आपको समझाऊं कि हमने पहले उसका कॉलम नंबर ढूंढा कि भाई क्रिकेट का कॉलम नंबर क्या है, फुटबॉल का कॉलम नंबर क्या है, कबड्डी का, और उसका कॉलम नंबर ढूंढने के बाद ये कॉलम नंबर यहाँ पे आ गया इस फॉर्मूला की मदद से, राइट। तो उसके बाद हमने क्या किया, उस कॉलम नंबर को हमने इंडेक्स के अंदर यूज किया, यहाँ पे इस फॉर्मूला में आप देख सकते हैं इंडेक्स के अंदर मैंने उसे यूज किया। कैसे यूज किया, कहाँ पे यूज किया, आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं E8 की जगह, E8 दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, फोकस कर रहा हूँ मैं, E8 टॉर्च लगा हुआ है, राइट, आपका ध्यान जाए, तो E8 की जगह मैं अगर मैच फॉर्मूला लगाऊँ तो चलेगा नहीं क्या? चलेगा, आपको चलेगा। चलिए लगाते हैं मैच फॉर्मूला, यहाँ पे E8 नहीं लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैच फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ। मैच के लिए लुकअप वैल्यू क्या है मुझे बताओ, मैच के लिए सबसे पहले ये टॉर्च बंद करना पड़ेगा मुझे। मैच के लिए लुकअप वैल्यू क्या है मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। मैच के लिए लुकअप वैल्यू हमारी क्रिकेट है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये क्रिकेट, कोमा, मैच का जो फॉर्मूला था वो वापस मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको पता ही है A22C2 एंड एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो। तो मैच फॉर्मूला यहाँ पे लग गया है, लेकिन इस फॉर्मूला को हमें ड्रैग करना है तो हमें इसे फिक्स करना पड़ेगा। तो फिक्स करने के लिए F4 साइन प्रेस करते हैं, डॉलर साइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अप्लाई हो चुका है, मतलब उस रेंज को सिलेक्ट कीजिए, जैसे मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया F4, तो E और 2 को दोनों को आना चाहिए, इस रेंज को एक साथ सिलेक्ट करो और इसे भी F4 कीबोर्ड पे F4 प्रेस करो, या फिर डॉलर साइन अप्लाई करो, टाइप करते बैठो तो टाइप करने से अच्छा है कि भाई डायरेक्टली F4 प्रेस करो ना। टाइम सेविंग ट्रिक्स हमेशा सीखा करो दोस्तों, मेरा तो एजेंडा ये रहा है कि मैं आपको टाइम सेविंग ट्रिक्स सिखाऊं और स्मार्ट टिप्स और ट्रिक्स सिखाऊं। तो फिलहाल ये दिखाई दे रहा है आपको, सारी चीज़ें लॉक हो चुकी है, एंटर कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, MS धोनी तो आ गया भाई। अब मैं इसे ड्रैग करता हूं तो सारे के सारे प्लेयर के नाम आ रहे हैं एक साथ। अगर मैं इसे फुटबॉल करता हूं तो फुटबॉल प्लेयर के नाम आ रहे, और कबड्डी करता हूँ कबड्डी, तो इस फॉर्मूला का अभी कुछ काम नहीं है, ये मैंने पहले निकालने के लिए, मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप बताने के लिए निकाला था। तो बेसिकली मैच और इंडेक्स की मदद से हम पूरी की पूरी लिस्ट डायनेमिकली यहाँ पे ले सकते हैं, और कैसे ले सकते हैं, इंट्रोपार्ट में जो मैंने दिखाया था वही हमने करके देखा है। फॉर्मूला यहाँ पे कंबाइन हो चुका है इंडेक्स और मैच, तो इंडेक्स और मैच फॉर्मूला की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती है एक्सेल के अंदर, अगर आपको कुछ रिपोर्ट्स बनाने हैं तो। तो कैसा लगा दोस्तों ये डायनेमिक लिस्ट का आइडिया, डायनेमिक लिस्ट कैसे बनाना है मैंने आपको आइडिया दे दिया है, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके मुझे बता दीजिए कैसा लगा। डेफिनेटली आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।